सिरसा के एक आड़ती के करोड़ों रुपए की देनदारी के साथ फरार होने की खबर से मंडी में हड़कंप मच गया है। इस आड़ती द्वारा मंडी से धान की खरीद की गई थी और भुगतान में टाल मटोल की जा रही थी। फरार हुए आड़ती की तरफ 10 से 12 करोड़ रुपए की देनदारी का अनुमान लगाया जा रहा है। इस फर्म द्वारा ज्यादा भाव का लालच देकर किसानों से भी धान की खरीद की गई थी। सिटी पुलिस ने दो लेनदारों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके फरार आड़ती की तलाश शुरू कर दी है। आइए सुनते हैं पूरा मामला क्या है। एक फर्म नंदलाल महेंद्र कुमार 144 से अनाज मंडी सिरसा में पिछले 30 साल से धान खरीद का कार्य करती है और उसकी एक सिस्टर कंसर्न महेंद्र कुमार प्रतीश कुमार, उसके माध्यम से भी वो पूरी सिरसा अनाज मंडी में खरीद धान करके और बाहर भी बेचती है और अपना स्टॉक भी करती है। इस सीजन में भी उन्होंने धान की खरीद का कार्य शुरू कर दिया सीजन आते ही, और यदा कदा पेमेंट को छोड़कर उसने सारी मंडी की पेमेंट को बरगलाए रखा, आज देता हूँ कल देता हूँ। और जब बहुतायत मात्रा में पेमेंट ड्यू हो गई तो अचानक 21 तारीख को शाम 6 बजे वो अपने सह परिवार सारी देनदारी छोड़कर फरार हो गया। जो माल उसने यहाँ स्टॉक कर रखा था उसने कंपनी के माध्यम से बैंक में प्लेज करके पैसा लेकर और वो जो है चंपत हो गया सारी मंडी। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कल हम उनको ढूंढते रहे, परसों रात को ढूंढते रहे, तो बहुत से जमींदार भी मेरे पास आए, उन्होंने भी बताया कि जी उसने हमें ऊंचे भाव में माल लेने के नाम से हमारे अपनी दुकान पर वो माल गिरवाता था और हमें 100 रुपया 50 रुपया 70 रुपया जैसा था ऊंचे माल में भाव देकर, और वो अपने पेमेंट का लालच दिया कि अब तेरा ऊंचा माल खरीदेंगे, हम बड़े एक्सपोर्टर को माल बेचते हैं, उनके पास बड़ी गुंजाइश है। इस प्रकार से सैकड़ों जमींदारों को भी उसने ठगी का शिकार बना लिया। जमींदारी अगर ये लिस्ट तो बाद में बनेगी, परंतु फिर भी लगभग 10 करोड़ के करीबन देनदारी उस फर्म की पूरे जमींदारों की और आड़ती वर्ग की निकलेगी। एसोसिएशन के आड़तियों के माध्यम से उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है और प्रशासन के माध्यम से पुलिस के माध्यम से उनको ढूंढने के प्रयास चल रहे हैं। हमारे को उचित रिजल्ट नहीं मिलता, वो लोगों को नहीं पकड़ में लेती, तो फिर हम लोगों को अपने हित के लिए अपने कार्य के लिए जो भी कदम उठाने पड़े, चाहे उसके लिए हमें मंडी बंद करनी पड़े, चाहे हमें और कोई कदम उठाने पड़े, हम उसके जरूर प्रयास करेंगे। ये 2-3 सालों से कमज़ोर चल रहा था, इसकी भी पेमेंट कहीं ना कहीं रुक गई और इसने क्या किया, मंडी से अपना निकालने की बजाय मंडी से आड़तियों से माल खरीद के, जमींदारों से माल खरीद के, बैंक में प्लज करा के उसकी पेमेंट निकलवा के ये फरार हो गया। 12 करोड़ इसमें आड़तियों की भी है, जमींदारों की भी, मैक्सिमम 250 आड़तियों की पेमेंट है, जमींदारों की भी डायरेक्ट पेमेंट है। कौन आदमी है ये? नंदलाल महेंद्र कुमार के फर्म का महेंद्र कुमार पोपली है। ये 30-35 साल से आड़त का काम कर रहा था, यहाँ विश्वास उसने बना लिया। अभी लोगों ने सोचा चलो ये कहाँ जाएगा, पर ये आहिस्ता आहिस्ता करके इसने पैसे इकट्ठे किए और परसों से फरार है। 420 की पुलिस कुछ कह दी? हाँ, पुलिस को कल कंप्लेंट करा दी, इनके खिलाफ FIR लॉज होगी है। अब पुलिस ने करना आगे का काम। चाहते क्या? हम तो चाहते हैं हमारी पेमेंट करे आके, गिरफ्तार हो और हमारे पैसे दे। कल हमारे पास 2 कंप्लेंट प्राप्त हुई हैं, जो एक कंप्लेंट कुलदीप भीमसेन वीरेंद्र पाल की तरफ से और एक कंप्लेंट कृष्ण मेहता वाला आप की तरफ से, कि अनाज मंडी में 2 फर्म हैं, नंदलाल महेंद्र कुमार और महेंद्र कुमार प्रतीश कुमार के नाम से। इन फर्मों ने जमींदारों का धान खरीद के और उनकी पेमेंट नहीं की और धोखाधड़ी से उनका धान खरीद लिया और यहाँ से भाग गए। तो इसमें हमने 2 मामले दर्ज किए हैं, तफ्तीश जारी है। इसमें वो भी को जो भी कोई और अगर पीड़ित हुआ तो उसको भी इसी में साथ में ऐड करके और अपनी मामला कार्रवाई की जाएगी और आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।